सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे थैंक यू, थैंक यू। फिल्म आ रही है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक, जो फिल्म का जो नाम है अपने आप में ही काफी उत्सुकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जी। फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरह का। अच्छा, ये क्या है, एक मैकेनिक है जो टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, घर सब काम कर लेता है, घरों में जाता है, सर्विस देता है। वहीं पर एक लड़की आई हुई है बाहर से, मुंबई के एक छोटे से इलाके में, वो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करने आई होती है लड़की ऋषिता। तो उसके कुछ काम वाम होते हैं घर के और उसको लगता है कि हेल्पिंग हैंड है, अच्छा आदमी है, तो ये उस चीज़ का उसको लगता है कि आय हाय हाय उसको प्यार हो जाता है। तो और वो बड़ी एम्बिशियस है, वो हीरोइन बनने आई है, तो उसके बीच का ताना बाना है। और उसमें संजय मिश्रा की खिचड़ी है, मनोज पावा साहब हैं, मनोज जोशी हैं, चंद्रचूर हैं, ब्रजेश शेठ जी, अनुपम शाम, तो एक से कलाकारों के बीच में ये कहानी गुजरती चलती है। हमने सुना है कि आपको करंट भी काफ़ी बार लग गया। हाँ, इश्क का करंट, इश्क का करंट लग गया। तो वो उसकी फैंटेसी है बेसिकली, और कलाकार होने के नाते ये है कि एक अलग तरह का किरदार जीने का मौका मुझे मिला, तो वो ऐसा है। क्योंकि फिल्म रोमांस भी होगा, कॉमेडी भी होगा, और साथ में आप इलेक्ट्रिशियन का रोल निभा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, रोमांस करने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि डोले वाला आदमी ही रोमांस करता है या जिसकी बॉडी होती है वही रोमांस करता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा ने हर एक का हिसाब किताब रखा हुआ है, मतलब जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते उसके लिए भी एक खूबसूरत राजकुमार होता है, तो वो उसकी फैंटेसी है और एक अलग तरह का मज़ा आपको आएगा। हाय 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 हाय, सब कुछ यही जान लोगे क्या, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि आप किसी को प्यार करते हो और उसको पता ही नहीं, बात यहाँ से थोड़ा अलग हो जाती है। उसकी अलग फैंटेसी है और दूसरा लड़की का एम्बिशन है, वो हीरोइन बनने आई है। और इस प्रकाश जो किरदार है उसके मन में सिनेमा के प्रति थोड़ा सा भाव अच्छा नहीं है, खासतौर से फिल्म की एक्ट्रेस के लिए उसका भाव अलग है, क्योंकि वो किताबों में पढ़ पढ़ के, फिल्मी मैगजीनों में पढ़ पढ़ के जो है वैसे ही समाज में भी सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बड़ी मेहनतकश इंडस्ट्री है। आपको रात दिन अपने काम में प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, और वो सत्य है। लेकिन सिनेमा के प्रति जो सोच है लोगों की, वो थोड़ा सा उनको लगता है अच्छा जी तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा क्या, जबकि उनको पता ही नहीं हमारे यहाँ, मतलब इस तरह का भाव मुझे नहीं लगता किसी भी कलाकार के मन में होता, क्योंकि वो एक अलग भाव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।